हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्माइली डेंटी मैं डॉक्टर प्राची मिश्रा आज हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट बहुत कॉमन डेंटल प्रॉब्लम की जिसे हम लोग कहते हैं पायरिया अब ये पायरिया क्या होता है बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है मुंह से स्मेल आना या दांत ब्रश करते समय ब्लड आना या दांत हिलना या छाले आ जाना ये सब पायरिया के लक्षण होते हैं सबसे पहले मुंह से स्मेल आना शुरू होती है कई बार इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं माउथ वॉश कर लेते हैं कुल्ला कर लेते हैं दांत ब्रश कर लेते हैं दिन में दो बार की जगह तीन चार बार ब्रश कर लेते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम जाती नहीं है अगर इस इस टाइम पे इसको इस प्रॉब्लम को केटर ना किया जाए तो नेक्स्ट शुरू होता है ब्लड आना जब हम दांत ब्रश करते हैं तो ब्लड आता है कई लोग इसको इस स्टेज पे भी इग्नोर कर देते हैं जब इस स्टेज पे भी इग्नोर हो जाती है ये प्रॉब्लम तो इसका नेक्स्ट सिम्टम होता है दांत हिलना जब दांत हिलना शुरू हो जाते हैं तो उनको निकलवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो जैसे मुंह से स्मेल आना शुरू हो या मुंह में छाले आना शुरू हो, या फिर ब्रश करते समय कभी भी ब्लड आना शुरू हो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये पायरिया की शुरुआत है पायरिया में क्या होता है कि जो प्लाक होता है जो एक चिपचिपी परत होती है जो दांतों में जमने लगती है वो धीरे धीरे दांत जब साफ नहीं होते हैं तो वो परत सख्त होने लगती है वो सख्त होते होते टाटर बन जाती है जब ये टाटर बन जाता है एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है तो हमारे मसूड़े दांत छोड़ने लगते हैं जैसे जैसे मसूड़े दांत छोड़ने लगते हैं मुँह से स्मेल आने लगती है पस बनने लगता है जब इसके और आगे स्टेज में प्रॉब्लम पहुँचती है तो दांत हमारे जो हड्डी में होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं जब वो लूज़ हो जाते हैं तो दांत हिलने लगते हैं ऐसी स्टेज में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं ये प्रॉब्लम लेके, तो आपको सबसे पहले स्केलिंग के लिए बोलेंगे स्केलिंग मतलब कि दांतों की क्लीनिंग। ये एक मिसकंसेप्शन हम लोगों के दिमाग में रहता है कि दांत सफ़ाई दांतों की सफाई होएगी तो दांत ढीले हो जाएंगे दांत हिलने लगेंगे दांत कमज़ोर हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब पायरिया होता है तो दांतों की सफाई ही उसका ट्रीटमेंट होता है आप घर में बैठ के ब्रश करके दांत साफ़ नहीं कर पाएंगे वो जो सख्त परत जो टार्टर है जो जम गई है वो आप अप अपने आप से नहीं निकलवा पाएंगे वो आपको जाके किसी प्रोफेशनल डेंटिस्ट से ही निकलवाना पड़ेगा उसमें सिर्फ़ जो मशीन होती है वो वाइब्रेट करती है और दांत आपके क्लीन हो जाते हैं पॉलिश हो जाते हैं रूट प्लानिंग होती है पूरी रूट साफ हो जाते हैं और आप धीरे धीरे दवाइयों से इस, इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं इसलिए अगर शुरुआती दौर पे स्पायरिया की ट्रीटमेंट ना किया जाए तो अंत में हम अपने दांत खो बैठेंगे इसलिए ज़रूर इस पे ध्यान दें और अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। थैंक यू सब्सक्राइब करें लाइक like करें हमारा चैनल स्माइली डेंटी और कोई भी क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर डालें थैंक यू